तो मुझे कभी लगा नहीं था कि किसी दिन मेरे को इस तरह की भी वीडियो बनानी पड़ेगी, बट हालात के आगे मजबूर होकर आज मेरे को ये करना ही पड़ रहा है। वेल, जब अपन ने काफ़ी टाइम पहले इसकी स्टार्टिंग की थी, तब मेरे को लगा था अपन काफ़ी दूर पहुंचेंगे, अपन काफ़ी आगे पहुंच जाएंगे, बट मुझे, सही कह रहा हूँ, मुझे कभी सपने में भी ऐसा नहीं लगा था कि एक दिन मेरे को ये क्विट करना पड़ेगा, बट आज मजबूरी ऐसी है कि क्विट करना ही एकमात्र ऑप्शन रहा है मेरे सामने। वेल, मुझे पता है तुम में से काफ़ी लोग ये कहोगे, काफ़ी क्या, हर कोई यही कहेगा कि भाई क्विट मत कर, सब ठीक हो जाएगा, डोंट गिव अप। बट सही कहूँ, मेरे पास क्विट करने के अलावा दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। काफ़ी लोग कहोगे, मुझे पता है, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, होप रख, बस। बट सही कहूँ, मुझे नहीं लग रहा कि अब इसमें होप रखनी चाहिए अपने को। मेरे को मतलब फील नहीं आ रहा, ओके, मुझे सब कुछ बिखरता सा नज़र आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि अब अपने को इसके लिए वेट करना चाहिए। आज से कुछ टाइम पहले मैंने सोचा कि मैं एक्चुअली काफ़ी महीने पहले ही इसको क्विट करने वाला था, बट मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सब्र रख लेते हैं, क्या पता सब ठीक होने लग जाए धीरे धीरे। बट मुझे भाई सही कहूँ, कुछ भी सही होता दिख नहीं रहा, बल्कि सब बद से बदतर होता ही नज़र आ रहा है। एंड जिस हिसाब से ये चल रहा है, एक दिन तो ये करना ही था मुझे। वैसे तो मैं ऑलरेडी तुम लोगों को इसके बारे में बता चुका हूँ, बट आज मैं ऑफिशियली बता रहा हूँ, आई क्विट ब्लॉकमेन को। ए, वेट 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 वेट, ओए रुक जा, तुम्हें क्या लगा? ओ, यूट्यूब क्विट, पागल हो का, इतनी जल्दी तुम लोगों का पीछा थोड़ी छोड़ूंगा भाई, पागल हो का, यूट्यूब थोड़ी क्विट कर रहे हैं भाई, ब्लॉकमेन को क्विट कर रहे हैं। यस, क्या इतनी देर से भाई इसी ही की बात कर, यार बताओ यार कैसी ऑडियंस है मेरी, हैं यार, मतलब तुम जानते हो मुझे यार, मैं भाई मतलब कैसे कैसे सोच लिया तुमने भाई कि यूट्यूब क्विट कर रहा हूँ? ना ना ना, यूट्यूब नहीं भाई, ब्लॉकमैन गो। ब्लॉकमैन गो, इवन तो इसके बारे में मैं अपने सेकंड चैनल पर ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट सही कहूँ वहां पर ये एक तो मैंने सही से बताया नहीं था और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी ना थी तुम लोगों को, तो मैं कहा कि भैया एक बार तुम लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देती हैं कि भैया क्या सीन पानी है, क्यों मैं क्विट कर रहा हूँ और क्विट करने का रीजन क्या है। एंड वेल, पहले वीडियो देख लो, देन तुम भैया अपने डिसीजन पे पहुंचना कि भाई मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, कहीं उससे पहले ही मेरे से गालियां देने लग जाओ। और भाई जी, मैं अपन लोग खेल रहे हैं सुनामी सिम्युलेटर, जिसके अंदर अपने को वहां से वहां तक जाना होता है, एंड बीच बीच में ये सुनामी आएगी और अपने को उसको उससे बचना है। एंड भाई, तो मेरे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है जिससे अपन, आई नो मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं बोलते, ऐसे कुछ और बोलते हैं, बट यो ही है जो ठीक है। ओके, मेन टॉपिक पे आते, भटकते नहीं है, तो मैं क्यों क्विट कर रहा हूँ ब्लॉकमैन को? अबेल, वैसे मेरे को नहीं लग रहा कि तुम लोगों को ज़्यादा लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन की नीड होनी चाहिए, बट स्टिल मैं तुम्हें बता देता हूँ। और भाई तुम्हें, मुझे लगे वहाँ सुनामी आ रही है, राइट? नहीं, एक्चुअली है ना, ना रहने दो। हाँ, तो जैसा तुम्हें पता है, अभी ये ब्लॉकमैन गो करंटली ये डेड गेम बन चुका है, जिसके अंदर लिटरली कछु नहीं रहा, ना नए गेम आती, और जो गेम है वो भैया 100% पे टू विंस बन चुके हैं। आई नो काफी लोग कहोगे ब्रदर स्काई ब्लॉक बचा है, ब्लॉकमैन को बचा है, बट भाई नया क्या है उसके अंदर, है मतलब हर महीने गेम पास आ जाते हैं, उससे उसमें कुछ नया होता है? नहीं, उससे कुछ नया नहीं होता भाई, ठीक है वो मैंने बाय कर लिया, देन क्या भाई, कुछ ऐसा लाओ, कुछ इनोवेटिव लाओ, कुछ नया लाओ भाई। तुम तो भाई लिटरली पुराने टाइम के मैकेनिज्म को अभी तक करेंटली यूज करे जा रहे हो, और उसके अलावा ब्लॉकमैन गो वाले हमारी सुनते ही नहीं है। और मेन तो रीजन यही है कि देखो भैया, ब्लॉकमैन गो में कुछ रहा नहीं और मैं हो चुका हूँ करेंटली उससे बहुत गंदा वाला बोर, एक्चुअली है ना, तो
तुम कहो भैया ब्लॉकमैन को, मेरा ब्लॉकमैन को खेलने का 1% मन नहीं करता, मेरा यूं भी ना होता कि भैया ब्लॉकमैन को ट्राई कर ले भाई, कुछ नया आया ये वो, नहीं मुझे बैरा से भाई ब्लॉकमैन गो के अंदर कछु नया नहीं है, क्या ट्राई करूंगा। और बाय द वे मैंने गेम कंप्लीट कर दिया ले। हमारी सुना भी ए, मैं तो पहले ही क्लियर कर गया गेम, व्हाट द हेक। चलो सही है, यहां आ जाते हैं और कुछ बाय कर लेते हैं क्योंकि पैसा है अपने पास। या कितने हैं 163। ओके तो इसके लिए क्या चाहिए, 100 पॉइंट्स जो है अपना डाइविंग सूट एड हेल्थ आर्मर। नहीं इसका मैं क्या करूंगा भाई, ये नहीं, कुछ कुछ और, कुछ तड़कता बड़कता सा, लाइक ये नाउ। यस 225 महंगी है। ओके ये 50 पॉइंट, बट स्टे पुट विद दिस, ये सही रहेगा एक्चुअली ना। ये सही रहेगा। और बाय द वे ये क्या करता है, स्पीड 1-2 ओ अरे दो यार, स्पीड अप के लिए अच्छा रहेगा। और उसके अलावा ये क्या है, स्पीड पोशन, डेफिनेटली गिव मी दैट एक्चुअली ना। ऑल राइट तो अपन इसको अगेन कर सकते हैं एक्चुअली ना। और ये भी ले लेते हैं हाथ में, मेरी स्पीड नहीं इंक्रीज हुई, हेलो व्हाई वॉट एवर, जो भी हो आजा मैं तेरा ही वेट कर रहा हूं एक्चुअली ना। एंड ये ले, ओए आई सपोज टू ले, की हो रहा है मेरी जिंदगी में भाई, छोड़ो टॉपिक पे आते हैं। तो यस ऑफिशियल मैं आज इन्फॉर्म कर रहा हूं तुम सभी को कि भैया अपन ब्लॉकमैन गो क्विट कर रहे हैं। बिल्कुल इवन तो मैंने भैया अपने सेकंड चैनल पे ऑलरेडी बता दिया है, मुझे बेरस है, बट वहां कुछ भी था नहीं सही कहूं तो। मैंने जस्ट गेम खेला, गेम लैग कर रहा था और मैंने वही रीजन बताया, बट एक्चुअली वो रीजन नहीं है। मेन रीजन ये है गेम बोरिंग हो चुका है, उसके अंदर कुछ भी नया रहा नहीं है, 100% पे टू विन बन चुका है एंड दुनिया भर का लैग करता है। जैसा तुमने मेरे सेकंड चैनल पे देखा भाई, गेम मेरा मैं खेल नहीं पा रहा, इतना गंदा लैग कर रहा है। और उसके अलावा मेन रीजन तो यही है कि मैं बोर हो चुका हूँ। यस तो भैया यही वो रीजन है जिस वजह से मैं ब्लॉकमैन गो क्विट कर रहा हूँ एंड आज परमानेंटली अनाउंस भी कर रहा हूँ। एंड उसके अलावा सामने से एक और सुनामी आ रही है, बट इस बार मैं तैयार हूँ, आ जा ये, मैं इस बार नहीं गया, मतलब या वही है स्मार्ट गाय एक्चुअली है ना। ऑलराइट सो वेल ये तो चलता रहेगा, बट आज के लिए बस इतना ही।